नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिट एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर। और इस वीडियो में हम आपको रिट का जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू देने वाले हैं, और जिससे आपका जो रिट के सिलेबस से संबंधित जो आपका जो कन्फ्यूजन है वो कुछ हद तक हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें रिट का जो सिलेबस रहेगा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, तो उसका उसके उसके सिलेबस को किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। रिट का प्रस्तावित पाठ्यक्रम, सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट के लिए। कक्षा 1 से 5 इसमें जो योग्यता रखी गई है लेवल फर्स्ट के लिए, 12वीं पास और उसके साथ आपका BSTC की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो प्रश्न पत्र आपका आएगा वो 150 अंकों का होगा और वो 5 खंडों में विभक्त होगा। अब जो 5 खंडों में जो ये विभक्त किया गया है उसका वर्गीकरण हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खंड पहले खंड की, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 150 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र होगा। उसी तरह से खंड दो भाषा प्रथम का होगा, मतलब खंड सेकंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती व पंजाबी में से किसी एक का आपको चयन करना होगा। उसके बाद बात करते हैं खंड 3 की, भाषा द्वितीय का होगा। इसमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी में से किसी एक का चयन करना होगा। और खंड 4 जिसका संबंध गणित से है, ये गणित का खंड रहेगा। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से खंड 5 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार पेपर को 5 खंडों में यहाँ पर विभक्त किया गया है और ये रिट का प्रस्तावित पाठ्यक्रम है, जिसको आप देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार इसमें आगे जो जानकारी दी गई है, प्रश्नों का जो स्तर होगा कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा। आप देख सकते हैं लेवल फर्स्ट के लिए। और उसके बाद बात करते हैं लेवल सेकंड के लिए, कक्षा 6 से 8 योग्यता, इसमें स्नातक के साथ आपका BEd मस्ट है। प्रश्न पत्र वही 150 अंकों का होगा और 4 खंडों में विभक्त होगा। सबसे पहले खंड प्रथम की बात करते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड 2 भाषा प्रथम का होगा, इसमें से वही आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। खंड 3 भाषा द्वितीय का होगा, इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी में से किसी एक का चयन करना होगा। खंड 4 कला स्नातक अभ्यर्थियों से सामाजिक अध्ययन व विज्ञान, स्नातक अभ्यर्थियों से गणित व विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खंड 4 में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अगर कला और स्नातक अभ्यर्थी हैं तो उनसे सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो अगर साइंस से हैं तो उनसे मैथ्स और साइंस प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो प्रश्नों का स्तर रहेगा कक्षा 6 से 8 राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई स्तर जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। और एक्सपर्ट का क्या कहना है उसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्सपर्ट ने बताया कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में केवल लेवल के अभ्यर्थियों को 6 से 11 आयु के व लेवल सेकेंड के अभ्यर्थियों को 11 से 14 वर्ष के आयु के पठन पाठन से स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर व उनकी आवश्यकता, उनसे अंतःक्रिया व अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे।
भाषा एक के प्रश्न पत्र में भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु तथा भाषा दो के प्रश्न पत्र में भाषा की सामान्य समझ संप्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप सभी को पता है कि शिक्षक व पुलिस भर्ती का जो इंतजार है वो अब खत्म हो चुका है। तैयारी में जुटा यूथ और शिक्षकों की 25,000 और पुलिस में 5,500 पदों पर भर्ती होनी है और इसे शिक्षकों में ये पदों की संख्या है वो 40,000 तक ये बढ़ाई जा सकती है। इससे संबंधित हमने एक वीडियो कल अपलोड किया था, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी, आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, सिलेबस आ चुका है, अब आपकी तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए समय है, पर्याप्त समय है। सभी अच्छे से मेहनत करिए और आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।